हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं खेलने वाला हूँ सस्ती वाली GTA 5। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने किया था रिची को अनलॉक करने का फर्स्ट पार्ट, तो जिसमें मेरा लैम्बोर्गिनी गुम हो गया जो बहुत ही 200 करोड़ का कार था। तो अभी मैं जल्दी से F1 में जाता हूँ। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखा तो आप लोगों का ये एपिसोड देख के भी कोई फायदा नहीं है। तो अभी मैं जल्दी बता देता हूँ, ये है अभी मेरे चैनल में हो गया 77 सब्सक्राइबर और मुझे अभी भी 3 सब्सक्राइबर चाहिए ताकि मेरे 80 सब्सक्राइबर हो जाए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, आपके भाई का ही चैनल है तो 80 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं बहुत ही खुश हो जाऊँगा। तो यार ये बंदे को मैंने तो मार दिया, गलती से एक्सीडेंट करवा दिया, बेचारा मर गया। और इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लेना, वरना आप लोगों को समझ में आने वाला तो है नहीं, और आ भी गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ और इधर यार ये रिची, हाँ किरिल का घर मुझे दिख गया, मैं जल्दी से किरिल से बात करवा देता हूँ। हाँ मैंने तुझे $3,000 दे दिया, तू जल्दी से मेरे ड्यूड थे क्या कहते हैं ड्यूड मार्ट से जल्दी से $3,000 का बैटरी मंगवा ले, ट्रिपल ए बैटरी होने वाला है जो। और इधर इसका दाम है $3,000 जो बहुत ही ज़्यादा प्राइस है इसका, पता नहीं कौन से टाइटेनियम डायमंड का बैटरी होगा, गोल्ड का बैटरी है क्या, जो भी है मुझे क्या। और मैं यार ये कार, अरे यार ये इतना अच्छा स्मूथ चला, फेंस तोड़ दिया लेकिन ये एक बेंच को नहीं धक्का दे सकता, गेम वालों ने बहुत अच्छा बना दिया गेम को। अरे यार ये कार ही फालतू हो गया, मैं इसको कुछ यूज़ ही नहीं कर सकता, मरने दो कार को। और मैं जल्दी से दोस्तों जल्दी से ख़रीद लेता हूँ और एक ऐसा कार क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और आ चुका है ये कार, तो मैं जल्दी से इसको ले चलता हूँ। और ये अभी आ गया है ब्रिज और सामने ये ड्यूट मार्ट, तो मैं जल्दी से ड्यूट मार्ट के अंदर भगता भगता घुस जाता हूँ और जल्दी से ट्रिपल ए बैटरी को खरीद के इधर से जल्दी से निकल जाता हूँ। अल्ट्रा सुपर डिलक्स बैटरी जो वो रिची किरिल कहता है, तो मैं कभी कभार रिची को किरिल को रिची कहता हूँ। और इधर है बैटरी, मैं इसको खरीद लेता हूँ, खरीद तो लिया ऑलरेडी बस, तो मुझे ये ले लिया मैंने बैटरी और मैं जल्दी से इधर से निकल लेता हूँ। और यार वो कार किधर गया, वो यार बाद में ढूंढ लेंगे, पुलिस वाले को इन्फॉर्म कर देंगे तो वो कार खुद ही आ जाएगा। और मैं यार पुलिस वाले आ भी गए तो मैं जल्दी से इनको मार देता हूँ, इनका पैसा भी उठा लेता हूँ क्योंकि अभी पैसे की बहुत कमी है, आपका भाई बहुत गरीब हो गया। और सामने इधर एक बंदा बैठा रहता है जो बहुत ही दुखी बंदा है क्योंकि इसने मेरे वीडियोज़ नहीं देखे, अगर ये मेरे वीडियोज़ देखता तो ये बहुत खुश हो जाता लेकिन मैंने देखे नहीं। तो अब मैं इसको एक मोबाइल ख़रीद के दूंगा ताकि ये मेरे वीडियोज़ देखे रोज़ और हंसे, और ये इसको मैं अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवाऊंगा। तो मैं जल्दी से इधर निकलता हूँ यार, सुपर फास्ट अल्ट्रा फास्ट, जैसे रेल ट्रेन की तरह एरोप्लेन की तरह भाग रहा हूँ मेरा कार। ये तो F1 कार है, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इजीली जाना चाहिए, ये कार वैसे ही बना होता है। तो यार सामने आ चुका है रिची का किरिल का घर, किरिल मैं कब हमेशा किरिल को रिची क्यों कह रहा हूँ समझ में आ तो नहीं रहा है, जो भी हो मुझे क्या। मैं कार इधर पार्क करता हूँ, मैं उसको सुपर डीलक्स अल्ट्रा बैटरी दे देता हूँ। यार जल्दी ले ले, मुझे तंग मत कर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तू उससे बहुत काम करवा ले रहा है, मैं क्या तेरा फ्री का नौकर हूँ। जो भी हो ये मेरे लिए तो रिची को भी हैक करके निकाल दे रहा है ना जेल से, इसलिए मैं इसका भी मदद कर रहा हूँ, तो मुझे मैं अब क्या ही कर सकता हूँ। जल्दी से मैं चलता हूँ, वो है सामने घड़ी, बहुत ही बड़ी घड़ी है, इधर का टाइम मेरे वॉच मेरे हाथ के वॉच के टाइम से भी मिल जाता है। तो अभी उस बंद किरिल ने कहा कि उसने गलती से किसी दूसरे को हैक कर दिया जो है हे गैंग, इधर का सबसे बड़ा गैंग है इधर, बहुत वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं, तो अब मुझे उनसे फाइट लेना पड़ेगा। तो मैं इसलिए एम्यूनेशन के शॉप में आ चुका और इधर मुझे बहुत सारे गन्स एमो खरीदना है ताकि मैं हे गैंग के साथ ईजिली फाइट कर सकूँ। तो मैंने बहुत सारा एमो वैमो खरीद लिया, मैं जल्दी से कार मंगवा के निकल लेता हूँ इधर से। ये कार मैंने टैक्सी जैसे मिलते वैसे ही मंगवाया है, जो भी हो, तो मैं जल्दी से निकल लेता हूँ इधर से। और मुझे पता है हे गैंग किधर है, ये ड्यूड थे सॉरी ड्यूड ड्यूबर के सामने ही होते वो लोग, तो मैं जल्दी से एक चीट अप्लाई कर लेता हूँ जिसका नाम है मून ग्रेविटी। इसको यूज़ करेंगे तो हम लोग हवा में बहुत देर के लिए उड़ते रहेंगे जैसा होते जीरो ग्रेविटी में। तो वो रहा सामने हे गैंग का, मुझे दिख आप लोगों को दिख रहा होगा कि पता नहीं लेकिन मुझे दिख रहा है, रुको मैं मारता हूँ। वो लोग अभी भगदे भगदे मुझे मारने के लिए आ जाए, ये आने आने स्टार्ट हो चुके हैं, वो लोग भाग रहे हैं मेरे पास। अरे आ रहे आ रहे, भागो भागो भागो। अरे यार अब मैं क्या करूँ, रुको जल्दी, देखो कितने झुंड में आ रहे। अरे अकेले को कैसे मार रहे हो तुम लोग, किरिल भी काम का कोई बंदा है नहीं, किरिल बस घूमता है। और यार ये लोग मार देंगे मुझे बहुत ही सिंपली, मुझे पता है, और मैंने फिर से इनको मारा है। अरे अब मैं पिस्तौल लेके कर ही कह सकता हूँ, रुको एक मारता हूँ मिसाइल लॉन्चर। तो बंदे का तो कुछ हुआ नहीं लेकिन मेरा F1 फॉर्मूला रेसिंग कार चला गया जो बहुत ही दुख की बात है, क्या करूँ अब मैं, मेरा लकी कुछ ऐसा ही। उस रिची को अनलॉक करते ना करते मुझे कितने क्या ही करने पड़ रहे हैं, जो भी है मैं जल्दी से मार देता हूँ हे गैंग को। मैं तो मेरा तो हेल्थ बचा नहीं, अभी मैं मरने ही वाला हूँ मैं इनको, यार मैं मर भी गया। ये जो मोटू है ग्रीन कलर का शर्ट पहना हुआ, ये मोटू बहुत चालाक है, ये बहुत ताकतवर भी है,
तो लेकिन मैं तब भी इनको मार दूंगा, मुझे मारना ही होगा, मैं नहीं मरने वाला। लेकिन तुम लोग, हाँ यार मैंने बहुत मेहनत के बाद इन लोगों को मार दिया, अभी मैं जल्दी से चलता हूँ किरिल के पास। अब वो मुझे क्या ऑर्डर करेगा पता नहीं, मैं उसका बाप का नौकर हूँ जो भी हो, तो मैं देखता हूँ वो मुझे क्या कहेगा। जल्दी से निकलो इधर से, उसके बाप का नौकर हूँ तो इसलिए मुझे जितना चाहे ऑर्डर कर रहे, ये करो वो करो यही कर सारा दिन कह रहा है मुझे, मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन मुझे बाद में माननी पड़ेगी वरना रिची नहीं निकल पाएगा, रिची अपना बहुत अच्छा दोस्त है, पुराना दोस्त है। तो ये कह रहा है अब इसके लिए मुझे सेल्फी लाना पड़ेगा रिची के जेल का, रिची के जेल का नंबर फोटो खींच के लाना पड़ेगा। तो क्या मैं क्या करूँ, जल्दी से निकलते हैं। ये जो भी कह रहा है कुछ ना कह के भी मुझे जा इसकी बात माननी पड़ेगी, तो मैं जल्दी से निकल लेता हूँ इधर से। और मुझे तो मैप की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं इधर से रैम्प से, अरे यार ये रुको मैं दोस्तों मून ग्रेविटी ऑफ़ कर लेता हूँ, मून ग्रेविटी के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो मैं जल्दी से रुको मून ग्रेविटी ऑफ़ कर देता हूँ। चीट कोड कैसे अपना, हाँ हाँ इधर से करने पड़ते हैं, तो मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ। और डीएक्टिवेट कर दिया, हटा दिया मैंने मून ग्रेविटी चीट कोड को। अब मैं इधर से जल्दी से निकल लेता हूँ। और सामने ही पुलिस स्टेशन है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं जिससे ही पहाड़ से छलांग बहुत ज़्यादा जम मारूंगा तो वैसे ही दिखने लग जाएगा। और इधर मेरा लैम्बोर्गिनी था जिसके लिए मुझे बहुत दुख होता है, उसको मैं ढूंढ के ही रहूँगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में, वो मुझे मुझे ढूंढना ही होगा। तो मैं जल्दी से जाता हूँ रिची के जेल के अंदर जाके, अच्छा रिची का जेल नंबर लाता हूँ, मैं अपना लैम्बोर्गिनी इसके सेकेंड वाले पार्ट इसके दूसरे एपिसोड में लाऊंगा, वापस ज़रूर लाऊंगा। तो अभी भाई रिची किधर है, तू मर गया क्या? हाँ इधर, मैं इसका फ़ोटो खींच के ड्यूड ड्यूड क्या था ड्यूड चैट से भेज देता हूँ जल्दी से। मैंने उस फोटो भेजी थी ड्यूड चैट के इस्तेमाल से, तो मैं जल्दी से निकल लेता हूँ इधर से। यार पुलिस स्टेशन भी कितना फालतू है, देखने में भी फालतू है। और मैं जल्दी से निकल लेता हूँ इधर से अपने फॉर्मूला F1 कार से, कार में बैठ के। तो जल्दी सुपर फास्ट मैं निकल लेता हूँ इधर से। यार मैं इस पहाड़ से, वाह यार ये तो जेट प्लेन ऐसे उड़ता है, मैंने तो कभी जेट प्लेन को भी ऐसे उड़ते नहीं देखा है। जो भी हो मुझे क्या, मैं जल्दी से इधर जाता हूँ। और ये सामने किरिल के दोस्त हैं, दो पागल दोस्त जो हमेशा नाचते हैं। यार को तुम लोग क्या कुछ काम धाम करते नहीं हो क्या, सारा दिन ऐसे नाचते हो? तब ये कह रहा है कि इसने अब ऑर्डर किया है कि मुझे टैक्सी चलाना पड़ेगा, जो आज तक लैम्बोर्गिनी चलाता था आज उसे टैक्सी चलाना पड़ेगा। मैं क्या ही कर सकता हूँ दोस्तों, टैक्सी इसलिए चलाना पड़ेगा क्योंकि मैंने हे गैंग को मारा था और उन लोगों ने पुलिस वालों को FIR दर्ज करवा दिया कि मैं एक माफिया जो चाहे बोल दिया होगा, मैं तो ज़्यादा ही भौंक रहा हूँ। तो सामने अभी मैं टैक्सी चलाना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे एकदम चार ड्यूड मतलब चार लोगों को एक बार चार पूरा रो में एकदम उतारना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों बहुत मैंने स्किप कर दिया, मैंने बहुत किया तब भी अभी भी बहुत देर में ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि ये काम दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। तो मैं देखो अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं हार नहीं मानने वाला। तो जल्दी चलो, जल्दी चलो यार, जल्दी चलो। और यार किधर गया, हाँ सामने ही आ गया मैं। और एक मैंने अभी भी आपको स्किप करके दिखा दिया क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है और मैं आप लोगों को वो समझा नहीं सकता। अरे यार जल्दी चल, जल्दी चल यार, जल्दी चल। ये सबसे हो जाने के बाद मैं मेरा काम धाम हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये यार ये लास्ट था, मैं बच गया दोस्तों। मैंने कितना मेहनत किया आप लोगों को दिखाया नहीं मैंने, वरना वीडियो बहुत बड़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। तो ये लास्ट बंदा था जिसको मैंने उतार दिया, यार बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो मैं जल्दी से किरिल के पास चलता हूँ, आप साइड से ज़्यादा नखरे करने वाला नहीं है बंदा। और ये फालतू टैक्सी भाड़ में जाए, भंगार वाले के पास पहुँच जाए। और भाई अब हाँ इसने हैकिंग स्टार्ट कर दिया है, हे 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 टाइम टू हैक। किरिल कह रहे हैं ये कौन कह रहा था, देखा नहीं मैंने। और इधर तो बेचारा हमारा रिची बैठा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक किरिल, उसने कहा कितना टाइम लगेगा। तो ये हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू बी हियर, गेट मी आउट ऑफ हियर गाइज। तो अब वो रिची कह रहे कि मुझे इधर से निकलो, कम ऑन कम ऑन। और यार रिची निकल गया, बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मुझे लैम्बोर्गिनी की याद आई भी नहीं रही है। रिची निकल गया बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है बहुत ज़्यादा। तो मैं जल्दी से रिची में स्विच हो जाता हूँ जैसा असली GTA 5 में होता है। ये तो सस्ती GTA 5 लेकिन ये असली GTA 5 में जैसा होता है वैसे ही हो गया अभी। तो अभी भाई इसके पीछे 5 स्टार की पुलिस लग गई है, मैं क्या कर सकूँ? जल्दी से मैं ग्रेनेड लाके उड़ा, मेरे पास तो रॉकेट लॉन्चर, मैं इतना डर क्यों रहा हूँ? जो भी हो, अरे यार आने बस शुरू, ये लोग तो आना भी शुरू हो गया। और यार ये रिची को बचना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा। मैं जल्दी से मून ग्रेविटी ऑन कर लेता हूँ, मून ग्रेविटी ऑन हो गया इसका मतलब मैं अभी उड़ते उड़ते सब बंदों को ख़त्म कर दूंगा। तो यार एक गया पुलिस वाले, अभी तो बहुत पुलिस वालों की लाश बिछानी पड़ेगी। तो अभी यार इसके सेकंड वाले, इसके बाद वाले एपिसोड में, मैं सेकंड क्यों कह रहा हूँ पता नहीं है, लेकिन मैं इसके बाद वाले एपिसोड में लैम्बोर्गिनी को वापस लाऊंगा ही और वो काम करेगा रिची।
क्योंकि रिची के कारण ही हमारा लैम्बोर्गिनी गुम हो गया है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ यार, ये कितने पुलिस वाले हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार पुलिस वालों से फाइट करने में। कोई बात नहीं, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था। जल्दी से रॉकेट लॉन्चर निकल के इनके मत्थे में गोली घुसेड़ देता हूँ। रुको रुको यार, ये अरे यार मैंने खुद को ही हर्ट कर दिया। जो भी हो, मैं जल्दी से इधर से बचना पड़ेगा मुझे, और मैं इस बार नहीं बचने वाला, इसके बाद वाले मैं फिर से मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो यार इस बार तो ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे पता है कंफर्म। यार मैं कितनी देर हवा में उड़ूँ। अच्छा मैं, अरे हाँ मैं मर गया। चलो फिर से और एक बार ट्राई करते हैं। गॉट रेक्ट, कोई बात नहीं। तो जल्दी से यार ये बंदे आते ही लग, मैंने कितने लाश बिछा दिए, मुझे अच्छा तो लग नहीं रहा है। लेकिन ये पुलिस वाले गए किधर, अभी भी तो 5 स्टार की पुलिस पड़ी है मेरे पीछे। अरे यार ये कार अभी मुझे ठोक देता, थोड़ा और होता। अरे इधर से आ रहे, किधर से आ रहे, इनको खुद ही नहीं पता होगा। और बंदे आओ आओ आओ, मैं सबको एक एक करके मारता हूँ। आ जाओ कोपचे में ले जाके मारेंगे, आ जाओ। गेट रेक्ट, क्या बार बार ये फालतू चीज़ कह रहे। जो भी हो यार, ये कार आ रहा है, और मैं कार को भी उड़ा दूँ? नहीं, कार को रहने दो, वो लोग मेरा कुछ बिगाड़ना चाहते नहीं, वो लोग मेरा बस पीछा कर रहे। ये लोग मुझे ठोकना चाहते हैं, कार वाले मुझे ठोक के गिरा देना चाहते हैं, ये मैं कन्फर्म हूँ। लेकिन मैं उनको कुछ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग भी अपना ड्यूटी कर रहे, पुलिस वाले भी कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं, इनको मरना पड़ेगा। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, ये लोग क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं तो इनको छोड़ देता अगर ये लोग मेरा पीछा नहीं करते। तो जल्दी यार सामने वो कार बेचने का जगह है, मुझे कार बार बेचना नहीं है, अभी तो खुद ही गरीब है, एक कार भी नहीं है। जितने भी फॉर्मूला रेसिंग करते हैं वो भी जा रहे हैं पता नहीं किधर से। और इस वाले कार को मैंने, पुलिस वाले के कार को मैंने पूरा हवा में उड़ा दिया, बहुत मज़ा आ गया, मैं खुशी के मारे नाचूंगा। अभी भी 2 स्टार की पुलिस लगी है मेरे पीछे, 1 स्टार होने ही वाली, हाँ 1 स्टार भी हो गया, और बस एक पुलिस को मारना है। नहीं, अभी भी एक पुलिस को मारना है, तो बस अब ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं। भाई साहब किधर हो आप, मैं आपको कोपचे में ले जाके एकदम अच्छे से मरेंगे, बस ख़त्म। और गाइस फाइनली रिची हमारा अनलॉक हो गया यार, मैं खुशी के मारे कुछ कह नहीं सकता। इसको बनाने में बहुत, इसको लाने में बहुत टाइम लग गया हमको। तो यार ये ड्यूड मार्ट ये क्या है यार, मैं सब भूल भी गया, इतना काम किया। तो मैं जल्दी से जाता हूँ, एक कार फिर से ऑर्डर कर देते हैं, और ये आ चुके, इसको संभाल के रखने वाला हूँ मैं, कन्फर्म हूँ इस बात में। और भाई साहब जल्दी से चल, पता नहीं अब क्या होने वाला है, कुछ स्पेशल सरप्राइज मिल ना जाए हमको, पता नहीं क्या होने वाला है। तो इधर मार्क करके रखा था, रुको मैं चला आता हूँ। और भाई ये क्या होने वाला है, अरे यार सब लोग खुशी के मारे नाच रहे, तो भाई कितना अच्छा लग रहा है ये देख के। तो दोस्तों आप लोगों को अगर आज का ये गेम प्ले अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका खुद के भाई का चैनल है भाई, सब्सक्राइब कर दो, क्या जा रहा है, बस एक लाल बटन ही तो दबाना है। तो भाई जल्दी मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें मैं करने वाला हूँ लैम्बोर्गिनी को वापस, और वापस लाने वाला हूँ, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी लिखवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को गेम प्ले अच्छा लगा तो कितने बार बोलूँ। तो ठीक है अभी मैं थोड़ा सो लेता हूँ, बहुत मेहनत किया है आज रिची, बहुत मेहनत, रिची तो कुछ किया नहीं, सारा दिन सोया, बस थोड़ा सा पुलिस स्टेशन में फाइट कर लिया। तो भाई बेड किधर है, रुको मैं एक बारी घर देख लूँ, तो घर बहुत अच्छा है भाई, इसका घर तो बहुत अच्छा है, मैं आपसे इसी घर में रहूँगा। और जैक को कौन स्विच करेगा यार, इसके पास बहुत कुछ है, इसका मैं होम टूर बाद में दे दूँगा आप लोगों को, चिंता इसका होम टूर बाद में दे देंगे। तो आज को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारे 80 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए। तो बाय बाय, विल सी अगेन।